नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए सी लैंग्वेज का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपके सामने मैंने लिख रखा है, टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स इन सी। कि सी लैंग्वेज में जो आप फंक्शंस को बच्चों यूज करते हैं, आप जिन फंक्शंस का उपयोग करते हैं उनमें कितने प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहले तो ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तब इनके टाइप के बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। What is function arguments? तो देखिए, arguments are the information, arguments वो information है that is used to supply into the, किसको सप्लाई किया जाता है, फंक्शन को। आर्गुमेंट वो जानकारी बच्चों जिसको कि हम लोग सप्लाई करते हैं अपने फंक्शन को, बाद में फंक्शन इन्हीं आर्गुमेंट्स के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, इन्हीं आर्गुमेंट्स को उपयोग करता है और आपको प्रोसेस करके क्या करता है, रिजल्ट प्रदान करता है। यानी फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन या जानकारी है जो यूजर सप्लाई करता है किसको, फंक्शंस को। तभी वो फंक्शन उन आर्गुमेंट्स को उपयोग करके, उन आर्गुमेंट्स का प्रयोग करके, प्रोसेस करके हमें रिजल्ट या हमें इंफॉर्मेशन या हमें जानकारियां प्रदान करते हैं। तो देखिए, फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स हैं, फंक्शन की जो सूचनाएं हैं वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। फंक्शन में अगर आपने आर्गुमेंट ना दिया तो फंक्शन कार्य किस पे करेगा। अब फंक्शन आर्गुमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, मुद्दा ये है। तो देखिए, फंक्शन आर्गुमेंट्स कितने प्रकार के हैं तो वो मैं बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स। हाँ भाई, तो देखिएगा भाई, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स इज ऑफ टू टाइप्स। आपके जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो आइए देखा जाए, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कौन है और ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कौन है। तो देखिए, एक्चुअल की अगर आप बात करेंगे तो दे आर सप्लाई इनटू द फंक्शन कॉलिंग टाइम। जब हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो जो आर्गुमेंट हम सप्लाई करते हैं बच्चों उन्हें कहा जाता है एक्चुअल, और दूसरा कौन सा होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट। दे आर यूज्ड टू डिक्लेयर इन फंक्शन डेफिनेशन। इनको हम कहां पे यूज करते हैं बच्चों, फंक्शन की डेफिनेशन में। याद रखिएगा कि फंक्शन की डेफिनेशन में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यह बताया हुआ है कि फंक्शन को डिफाइन या डिजाइन कैसे करते हैं बच्चों। याद कीजिए, अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखे हैं, नहीं देखे तो हमारे चैनल पर चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, या
वहां पे आपको वीडियो अपलोड किया हुआ जरूर मिलेगा, तो उसको जरूर आप देखिएगा बच्चों, जिसमें मैंने ये बता रखा है कि फंक्शन का डेवलपमेंट जब किया जाता है तो तीन स्टेप में होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन या बॉडी, और फंक्शन की कॉलिंग। तो ये जो आपके फॉर्मल आर्गुमेंट है ये कहां पे यूज किए जाएंगे, जब फंक्शन को आप डिफाइन करोगे। और बच्चों ये एक्चुअल आर्गुमेंट कहां पे यूज किए जाएंगे, जब आप फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करते हो। तो कॉलिंग टाइम पे जो आर्गुमेंट है उन्हें कहा जाएगा एक्चुअल आर्गुमेंट, और फंक्शन की डेफिनेशन में जिनको हम यूज करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट। और एक नियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एनी फंक्शन। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के बीच फंक्शन के कोई रिलेशन या संबंध नहीं होता, यानी ये आर्गुमेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, क्या मतलब है इंडिपेंडेंट का, कि अगर मैंने एक्चुअल आर्गुमेंट के मान में बदलाव किया तो फॉर्मल पर कोई असर नहीं करेगा बच्चों, और अगर आपने फॉर्मल के मान में बदलाव किया तो एक्चुअल पर कोई असर नहीं करेगा। यानी बोथ टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स आर इंटायरली डिफरेंट, इंटायरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों में किसी तरह का कोई कोरिलेशन, संबंध, कनेक्शन नहीं होता। आइए अब इसी चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए तो सब लोग ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल को, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स देखिएगा, मेन फंक्शन देखिए सीधे, और तो आप सब जानते हो, मान लीजिए इसमें एक फंक्शन है void display, और हम इसमें एक नंबर बच्चों पास करेंगे, बहुत सीधा सा फंक्शन है, एक वेरिएबल मैंने लिया int आपका a जिसका मान है 5, है ना, और इसके बाद printf before function calling, function calling के पहले आप printf से print कराइए किसको, a को, और उसके बाद इधर आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं, प्रिंट एफ आप फंक्शन को कॉल कर दीजिए डिस्प्ले में ए को, और फिर प्रिंट एफ आफ्टर कॉलिंग फंक्शन कॉल करने के बाद आप फिर से कराइए प्रिंट, प्रिंट एफ किसको प्रिंट कराएंगे, ए को ही प्रिंट कराएंगे, और ये मैंने बंद कर दिया फंक्शन, आपका मेन फंक्शन खत्म। यहां पे हम आपका डिस्प्ले फंक्शन बना रहे हैं void display मान लीजिए int n वेरिएबल वही है, और यहां देखिए मैंने n का मान 50 कर दिया, बस इस फंक्शन में और कुछ किया ही नहीं मैंने। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, इस प्रोग्राम पे ध्यान देंगे तो आपको एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम आपके सामने लिखा है, अब जस्ट आपको समझाना है मुझे। देखो मेन फंक्शन में आपने एक फंक्शन डिक्लेयर किया किस नाम का,
डिस्प्ले नाम का, जिसमें हम एक नंबर इंटीजर टाइप का पास करेंगे और ये फंक्शन कोई वैल्यू अपने कॉलर को रिटर्न बच्चों नहीं करेगा. दिस फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू इट्स कॉलर. ओके, इसीलिए कीवर्ड वॉइड है. अब इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया मैंने ए. स्क्रीन सीएलआर सीआर ये लाइब्रेरी फंक्शन है, आप जानते हो, क्लियर हो गई. फिर आप देखिए प्रिंटएफ से मैंने मैसेज प्रिंट किया बिफोर फंक्शन कॉलिंग और मैंने ए को प्रिंट कराया, तो बताइए बिफोर फंक्शन कॉलिंग ए का मान तो 5 है, वो 5 प्रिंट हो गया. अब देखिए बच्चों यहां पर मैंने ये आपका क्या कॉल किया, डिस्प्ले ए को. अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो आर्गुमेंट, वो इंफॉर्मेशन जो फंक्शन कॉलिंग के दौरान हम पास करते हैं फंक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट. तो यहां पर आप मुझे बताइए आपका एक्चुअल आर्गुमेंट कौन है फंक्शन का, तुम्हारा ए है. ए इज द एक्चुअल आर्गुमेंट. और उसके बाद फंक्शन कॉलिंग के बाद, तो फंक्शन कॉलिंग का तो नंबर तब आएगा जब यहां से कंट्रोल सीधे अभी जंप कर जाएगा कहां पे, फंक्शन की डेफिनेशन के पास. जब कंट्रोल बच्चों सीधे जंप करके पहुंचेगा फंक्शन की डेफिनेशन के पास, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो वैल्यू आपने ए की भेजी होल्ड हुई किस पर, बताइए एन पर होल्ड हुई. तो यहां पर यन, ये एन आपने कहां यूज किया, फंक्शन की डेफिनेशन है ना ये, इट इज कॉल्ड डेफिनेशन, आपको बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में. तो जब आप यहां से वैल्यू पास करेंगे और ये यन पे आएगी, तो यन आपके फंक्शन का क्या है, ये भी आपके फंक्शन का क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट है. ये आपके फंक्शन यन का फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब टाइप है ये दूसरा. अब ए का कॉपी किस पर आएगा, यन पर आएगा, आ रहा होगा, आप जान रहे हैं. यहां पर मैंने क्या किया, यन का मान चेंज कर दिया और यन में अब 5 की जगह स्टोर क्या कर दिया, 50 स्टोर कर दिया. यानी हमने फंक्शन के फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू को बदल दिया. बस इस फंक्शन ने ये किया, जैसे ही क्लोजिंग कर ली बंद होगा ये मिलेगा कंट्रोल, वापस कहां आएगा, जहां से वो गया था, यहीं से गया था ना, वापस वहीं आएगा और नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करेगा आफ्टर कॉलिंग. और प्रिंट करा रहे हैं हम फिर किसको, ए को. तो आपके मन में ये संदेह होना चाहिए कि चूंकि मैंने ए का मान यहां भेजा, ए का मान यन पे आया और वो बदल के 50 हो गया, तो जब मैं आफ्टर कॉलिंग प्रिंट कराऊंगा तो क्या ए का मान मुझे 5 मिलेगा कि 50 मिलेगा. तो बच्चों यहीं पर, यहीं पॉइंट पे आपको वो रूल याद करना है. क्या रूल, अभी पीछे आपको वो रूल मैंने बताया कि भैया देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, अर्थात एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट के बीच किसी तरह का कोई संबंध, कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं होता. अगर आपने एक्चुअल के मान में बदलाव किया तो उसका असर फॉर्मल पर, और फॉर्मल के मान में बदलाव किया तो उसका असर एक्चुअल पर बच्चों नहीं पड़ेगा. ये वही सिद्धांत है कार्बन कॉपी और ओरिजिनल कॉपी का, कि अगर आप ओरिजिनल से कार्बन कॉपी बनवाते हैं और कार्बन कॉपी में चेंज कर दें तो क्या ओरिजिनल वैल्यू बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी. सिमिलरली ओरिजिनल में कोई चेंज कर दें और आपने कार्बन कॉपी पहले से निकलवा रखी है तो उसमें भी ऑटोमेटिक कोई परिवर्तन या बच्चों चेंज नहीं होगा, वही नियम. तो यहां पर जो परिवर्तन है वो फॉर्मल आर्गुमेंट में हो रहा है, उसका प्रभाव जब आप ए को प्रिंट कराएंगे तो नहीं पड़ेगा. ए पर अभी भी वही वैल्यू मिलेगी जिसका नाम क्या है, जिसकी वैल्यू क्या है, 5 है बच्चों. तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि फंक्शन में सी में दो तरह के आर्गुमेंट होते हैं, एक्चुअल फॉर्मल, और एक के मान में आप बदलाव करें तो दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. लेकिन यदि इफ यू वॉन्ट टू सी दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स, बच्चों अगर आप इस प्रकार का इफेक्ट देखना ही चाहते हैं, कैसा इफेक्ट आप देखना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं
कि मैं एक्चुअल में बदलूं फॉर्मल पे और फॉर्मल में बदलूं तो एक्चुअल पे असर पड़ जाए, तो एक चीज जान लीजिए कि कॉल बाय वैल्यू से तो नहीं होगा, ये कार्य आपका कॉल बाय वैल्यू से तो नहीं होगा, ये काम आपका किसके थ्रू होगा, कॉल बाय रेफरेंस टाइप फंक्शन से ये काम होगा। किस टाइप फंक्शन से ये कार्य होगा? कॉल बाय रेफरेंस टाइप फंक्शन से हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आने वाले आगामी वीडियो में आपको ये भी मैं दिखा दूंगा बच्चों कि कैसे कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन या पॉइंटर्स की मदद से ये हम कर सकते हैं कि हम एक सोर्स पे परिवर्तन कर देंगे तो कार्बन पे, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो एक्चुअल में बदलेंगे तो फॉर्मल पे, या फॉर्मल में बदलेंगे तो एक्चुअल पे प्रभाव पड़ेगा, यानी चेंज आएगा। यानी आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वैल्यूज बदल जाएं, तो इसके लिए कॉल बाय वैल्यू के बजाय हम लोग यूज करेंगे जिस तरह के फंक्शनों को, उसको मैं कहूंगा कॉल बाय रेफरेंस, लेकिन आने वाले वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं, निरंतर आपके लिए छोटे वीडियोस बना रहा हूं, आपको पसंद आ रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ बच्चों कि आप सीख रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, अब मैं आपको अलविदा कहता हूं। और अगर आपको पसंद आए, आपको पूरा कोर्स करना है, सीखा एक साथ पढ़ना है, लाइव पढ़ाई करनी है, ये तो हम आपसे रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, जस्ट आप यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्रॉम प्ले स्टोर और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सी लैंग्वेज का बैच मिलेगा, आप ज्वाइन कीजिए, हम लाइव आपके साथ संपर्क में आएंगे और लाइव क्लास विथ प्रैक्टिकल, नॉट ओनली थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों आज हमारे साथ समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।